इस तरीके की चीजें न्यूज पोर्टल पे चलवाई जा रही है किसी के माध्यम से, ये जिनके द्वारा ये रचा गया, ये स्क्रिप्ट रचा गया, बहुत ही शर्मनाक है। हम लोग जहाँ है, जहाँ थे, जहाँ है वहाँ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो बीते दो तीन दिनों से जिस तरीके से जो पशुपति पारस गुट की जो लोक जनशक्ति पार्टी है उससे ये खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि जो पशुपति पारस गुट के जो 5 सांसद हैं वो कहीं ना कहीं टूट कर अब वो जदयू में जा रहे हैं। इसको लेकर आज जो पशुपति पारस गुट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोला और बोलते हुए कहा कि कुछ लोग हमारी पार्टी को बदनाम करने की अफवाहें उड़ा रहे हैं। और वहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर भी बड़ा हमला बोला और क्या कुछ कर रहे हैं अब देखिए इस वीडियो में। जो कल से एक न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, न्यूज पोर्टल्स पे चल रहा है, उसको खारिज करना बहुत ही जरूरी आवश्यक है। इसकी वजह से आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं आज आप सबों के समक्ष इस सभागार में उपस्थित है हमारे वैशाली के सांसद, हमारे संसदीय बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय माननीय वीणा जी यहाँ उपस्थित है, हम लोगों के नवादा से सांसद हमारे बड़े भाई चंदन जी यहाँ से यहाँ पर उपस्थित है, हम यहाँ पर हैं, हमारे एमएलसी साहब भूषण जी यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पे हमारे सुनील सिन्हा जी उपस्थित है, हमारे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष यहाँ उपस्थित है, हमारे उपाध्यक्ष संजीव जी हैं यहाँ पर, युवा के अध्यक्ष सभी तमाम, और अभी अभी आपने 5 मिनट पहले केसर साहब आए थे जो कि खगड़िया से सांसद है, उनसे भी आपने रूबरू हुए, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इन सब अफवाहों पे पूर्ण विराम लगाने के लिए वो आए और आके इन्होंने आप लोगों को अपना वक्तव्य दिया कि भाई क्या बात है, नहीं है उनका आज उनका कल रात में ही कोरोना का जांच हुआ है और उन्होंने कहा कि सर हमें छोड़ दीजिए क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा बीमार है वो, तो उनको हमने छोड़ दिया। लेकिन वो यहाँ कार्यालय आए और कार्यालय आके आप लोगों को संबोधन किया, उन्होंने बताया कि वो सब साथ में है। देखिए ये इस तरह की अफवाह जो उठी है कल और जिस तरीके से न्यूज में चला, एक कहां से ये आया, नहीं आया ये भगवान जाने, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा हमें स्पष्टीकरण यहां देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब हमें इस बात का संज्ञान हुआ कि भाई जिस तरीके की चीजें न्यूज पोर्टल पे चलवाई जा रही हैं किसी के माध्यम से, जब इस बात की जानकारी हुई तो हमने कहा भाई हमें अपने सांसदों को फोन करने की जरूरत नहीं है, हमें उन पे पूरा विश्वास है, वो जिस विश्वास के साथ हमारे साथ है उसी विश्वास के साथ हम उनके साथ है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खैर बाकी चीजें तो आपको माननीय सांसद आप लोग पूछेंगे तो वो अपना अपना वजन आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये तिरंगा के नाम पर जो न्यूज वाले घर पे आके न्यूज लेते हैं और उसके बाद ये न्यूज एक प्रोपेगेंडा तैयार करना और किस तरीके से ये बोलना कि इसी न्यूज को चलाओ, सूत्र के हवाले से हमें खबर मिली कि ये जिनके द्वारा ये रचा गया, ये स्क्रिप्ट रचा गया, बहुत ही शर्मनाक है। आप लोग कहाँ है, नहीं है, आप लोगों का पता नहीं है भाई, हम लोग जहाँ है, जहाँ थे, जहाँ है वहाँ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। हमें हमारे सभी सांसदगण हम सबों की बैठक हुई, हम लोगों ने बात किया और हम सबका एक मत हुआ कि भाई हमारे आस्था हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी में है, उनकी आस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में है और हम सभी उन्हीं के साथ हैं, उनके हाथ को मजबूत करेंगे और उनके साथ कदम से कदम बढ़ाते चलेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बाकी लोग वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, ये उनकी समस्या है, वो अपनी समस्या किसी और पे ना थोपे, ये हम कहना चाहेंगे। उनके लोग एक और बात हम आपको बता दें, ये जो प्रकरण हुआ, ये जो घटना घटी, इसके पीछे क्या वजह थी, इसके पीछे वजह ये थी कि वो जो दूसरा गुट है उनके कई प्रदेश के पदाधिकारी हमारे सीधे संपर्क में, इस बात की जब जानकारी उन्हें हुई आनन फानन में उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा और इस तरीके का भ्रम फैलाया। हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आप पहले जवाब दीजिए, जब उन्होंने ये कहा कि ना हम इस गठबंधन के हिस्सा है ना उस गठबंधन के हिस्सा है, हम अकेले हैं, तो उनके साथी जो उनके दल के पदाधिकारी हैं वो असहज महसूस करने लग गए और उन्होंने दूसरे दलों को संपर्क करने का प्रयास किया जिसमें उन्होंने हमें भी संपर्क किया। और ये हम बता दें बहुत जल्द
वो जो गुट है वो गुट अब खत्म होने वाला है, सब लोग इधर उधर जाने वाले हैं। बहुत ही जो अहम उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, आपको जल्दी आप लोगों को समाचार मिलेगा। इसी वजह से ये चीज ना हो, ये चीज को ध्यान किसी के तरफ ना जाए, किसी का इस तरफ ध्यान ना आए, तो इस तरीके का प्रकलन किया गया और ये जो दो तीन इनके जो है आदमी उनको भेज के इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई। लेकिन जैसे ही ये अफवाह उड़ी वैसे ही हमारे माननीय जो सांसद वैशाली की सांसद रीना जी हैं, इन्होंने खारिज किया इसको। कल इनका पूरा चला स्टेटमेंट, हमारे युवा सांसद चंदन जी हैं, इन्होंने खारिज किया इस बात को। हमारे केसर साहब, उन्होंने खारिज किया, वरिष्ठ सांसद हैं, हमने खारिज किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खारिज किया। जब सभी सांसदों ने मिलकर जब इस बात को खारिज कर दिया तो इस बात में कोई दम बचता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके के इसको हवा दी गई। अभी आपने सुना जो लोग, जो पशुपति पारस गुट की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रिंस राज, उनका साफ तौर पे कहना है कि चिराग पासवान के लेकर उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं जो हमारी पार्टी को बदनाम करने की अफवाहें उड़ा रहे। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि नीतीश कुमार 2005 में जब NDA के साथ आए थे तो जंगल राज के खिलाफ थे, और आज वो फिर से उस पार्टी में जाकर और महाजंगल राज का संकेत दे दिया। और वहीं उन्होंने जो पार्टी की से जो खबरें निकल कर सामने आ रही थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो 5 सांसद है पूरी तरीके से, हमारे सांसद मेरे साथ हैं और हम लोग पूरी तरीके से NDA के साथ हैं, कहीं मेरी पार्टी में कोई टूट नहीं हो रही है। और भी क्या कुछ कर रहा है आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम अपडेट खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।